का, एक डेढ़ लाख आदमी का भंडारा एक दिन में होता है, डेढ़ लाख आदमी से तो कम नहीं है। और चार दिन से निरंतर इसी तरह बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं निरंतर लोग लगे हुए हैं, एक भी लोगों के हाथ बंद नहीं है। उधर खीर से लेकर दोस्तों पूरी सब्जी से लेकर मालपुए तक किसी व्यक्ति के हाथ बंद नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय रघुवर धाम, रघुवर धाम। कितने समय से आप लगे हुए हो? हम लोग 9 दिन हो गए। बागेश्वर धाम जो दंदरगुआ धाम पर सिर्फ भागवत कथा हो रही है, वहाँ का अन्नपूर्णा उत्सव आप देख सकते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु भोजन कर रहे हैं। और भोजन की व्यवस्था भी ऐसी बनाई गई है कि ट्रॉलियों में भर भर कर यहाँ पर भोजन की व्यवस्था जुटाई जा रही है। इसमें आप क्या है भाई साहब? इसमें खीर है, आप देख सकते हैं ट्रॉलियों में भर भर कर खीर यहाँ पर। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका। आप किस तरह व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? हजारों की श्रद्धा में प्रतिदिन श्रद्धालु भोजन करते हैं, आप किस तरह की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है यहाँ, सब संत साधुओं को अभी प्रसादी ग्रहण कराई जा रही है, उसके बाद और भी प्रांगण है उनमें सबको भोजन। कितने दिनों से निरंतर इस तरह से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है? ये 4 दिन हो गए इसको। 4 दिनों से लगभग इसी तरह से भंडारे का आयोजन, रात में भी भंडारा दिन रात अन्नपूर्णा भंडारा या रसोई का संचालन भी उधर हो रहा है। आप देख सकते हैं ट्रॉलियों में भर भर कर यहाँ पर सब्जी पूड़ी और खीर इत्यादि व्यवस्थाएं कराई जा रही है। व्यवस्था सारी व्यवस्थाओं में लग रहे हैं, मशीन द्वारा साग वगैरह लग रहे हैं, मशीनों के द्वारा उसे पूरे माल पूरे बनाए जा रहे हैं। आपको पूरी दृश्य दिखाएंगे, उधर है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। 4-5 हजारों की आप देख सकते हैं यहाँ प्रसादी ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं अपनी अपनी व्यवस्थाओं से। इसमें देखो दोस्तों, इसमें बूंदी भरी हुई है, इसमें खीर भरी हुई है, इसमें मालपुए भरे हुए हैं, उसमें सब्जी भरी हुई है, आलू की सब्जी, और इसी तरह से निरंतर भंडारा चल रहा है। एक ट्रॉली खत्म नहीं होती है जब तक दूसरी ट्रॉली लग जाती है, और अखंड भंडारे का आयोजन साधु संतों से श्रद्धालुओं तक को भोजन करवाया जा रहा है। स्थानीय भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र है। इनका नाम सुरेंद्र है। आप व्यवस्थाओं को किस प्रकार से मैनेजमेंट कर रहे हो? इतने सारे लोग भीड़ आ रही है, सारे लोग मदद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया धाम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से अखंड का भंडारा चल रहा है। उनका किसी का केपी सिंह जी का भंडारा, भदौरिया जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से यह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बड़ा धंधा हुआ बागेश्वर धाम की है। द्वारा इस तरह के भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, कितनी बड़ी कढ़ाई में सब्जी बनाई जा रही है, किसी भी प्रकार की कमी यहाँ पर ना हो सके, उसके लिए पहले से ही स्टॉक में आलू रखे हुए हैं, जेसीबी मशीन रखी हुई है जिससे भोजन आदि को बनाया जा रहा है। आपको हम दर्शन करवाएंगे किस तरह से मशीन, कितना बड़ा किस तरह से कढ़ाया बनाया हुआ है, कितनी बड़ी भट्टी बनाई गई है, और इस भट्टी में दोस्तों सब्जी बन रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मशीनीकरण द्वारा सब्जी बनाई जा रही है, यह मशीन लगी हुई है बाकायदा, और इस तरह सब्जी बनाई जा रही है। इसमें आलू उबल रहे हैं और आलू ये आप देखते जाएंगे दोस्तों, रसोईये लगे हुए हैं, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टॉक में भी आलू रखे हुए हैं। आलू की धुआई भी बड़े आधुनिक ढंग से हो रही है, आप देख सकते हैं पहले ही स्टॉक में आलू रखे हुए हैं, और बड़ा ही बहुत सुंदर नज़ारा आपको दोस्तों, लाखों की श्रद्धा में, हजारों की श्रद्धा में श्रद्धालु भोजन पा रहे हैं। इधर गुड़ वाले लगे हुए हैं, मशीनों से सब सारा काम मशीनों से मैनेजमेंट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं आटे के कट्टे रखे हुए हैं, गुड़ रखा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है यहाँ पर, किसी भी प्रकार की लोगों को कमी नहीं आ रही है। मालपुए के लिए गोबर खोद रहे हैं, मालपुए के लिए मालपुए के लिए मिक्सर लगा हुआ है, इस मिक्सर में मालपुए का पेस्ट बनता है और बाद में जाकर भट्टी में जाता है। आप देख सकते हैं मालपुए बन रहे हैं इसमें, और अभी ये इसमें भाई साहब आटा डालेंगे, इसमें पूरा कट्टा 25 किलो का कट्टा पूरा चला जाएगा और मिश्रण होगा। इस मिश्रण के बाद उस पेस्ट को यहाँ पर लाया जाएगा और इस तरह मालपुए बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, भंडारे का इतना विशाल आयोजन पहली बार यदि कहीं हो रहा है तो वह दंदरगुआ धाम है। और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर इस तरह से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इधर की ओर जिस सुबह की तरफ समय नाश्ता के समय लोग भक्तों के लिए पोहे की व्यवस्था की गई है, इस तरह से पोहे हैं और भक्तों को पोहे का वितरण किया जाता था बड़ी मात्रा में,
यहाँ पर पोहे बने हुए हैं जो सुबह के नाश्ता के लिए भक्तों को दिए जाते हैं। और इधर आप देख सकते, और ये वर्कर दोस्तों भंडारे के प्रांगण में जाएगी, बाद में भंडारे में भक्तों को बांट दी जाएगी बड़ी मात्रा में। यहाँ आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। यहाँ पर बूंदी भरी रखी हुई है, बड़े बड़े जो आप जो दूध का पूरा टैंकर यहाँ पर है, जो जिसके बाद जो खीर वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर दूध से भरा टैंकर मंगवाया गया है। और बड़े मैट्रिक टन में दोस्तों इस तरह से उत्पादन किया जाता है। आप दर्शन कर रहे हैं इस तरह की आधुनिक मशीनों के द्वारा दोस्तों आटे को लगाया जा रहा है, आटे को गूंथा जा रहा है। उस आटे को गूंथने के बाद यहाँ से उनको पूड़ी बनाई जाएगी और प्रसाद बांट दिया जाएगा दोस्तों। और इधर की ओर बड़े बड़े कढ़ाइयों में ये क्या बन रहा है, खीर बन रही है, खीर खीर ये खीर बन रही है। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ खीर भी बन रही है। और यह चावल का यहाँ भंडारे का जितने सामान है बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। ये बेलने वाले भी जो निरंतर लगे हुए हैं इसी तरह बड़े पैमाने पर इस भंडारे का आयोजन दंदरगुआ धाम में, बागेश्वर धाम की इस भागवत कथा में आयोजन में किया जा रहा है। आप दर्शन करेंगे दोस्तों बड़े पैमाने पर, यह देखो हलवाई लगे हुए हैं। भाई साहब कब से लगे हुए हो आप? हम लगे यहाँ पे 8 तारीख से। 8 तारीख से निरंतर इसी तरह भंडारे में लगे हुए हैं। एक दिन में कितने व्यक्तियों का भंडारा हो जाता होगा? हो जाता है 1.5 लाख आदमी का। 1.5 लाख आदमी का भंडारा एक दिन में होता है? 1.5 लाख आदमी से तो कम नहीं है। और 4 दिन से निरंतर इसी तरह बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं निरंतर लोग लगे हुए हैं, एक भी लोगों के हाथ बंद नहीं है। उधर खीर से लेकर दोस्तों पूरी सब्जी से लेकर मालपुए तक किसी व्यक्ति के हाथ बंद नहीं है। और बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यह रसोई बागेश्वर धाम की है, आप दर्शन कर सकते हैं। दंदरगुआ धाम भिंड जिले के अंतर्गत आने वाला। और बड़े पैमाने पर दोस्तों मालपुए बनाए जा रहे हैं इधर की ओर। यह मालपुए वाला का पेस्ट है। हाँ हाँ भाई साहब, कब से आप लगे हुए हैं मालपुआ बनाने में? 9 तारीख से। 9 तारीख से निरंतर। एक दिन में कितने लोगों के लिए आप बना देते होंगे आपके स्तर से? एक दिन में कितना? यहाँ पे बना रहे 20,000 आदमी का। 20,000 लोगों का निरंतर भंडारा यहाँ पर प्रतिदिन की भांति चल रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार इसी तरह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा सुरेंद्र। आपका नाम? आप किस तरह की व्यवस्थाओं को यहाँ पर देख रहे हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था। यहाँ पर लोगों हजारों संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु भोजन करते हैं। उनकी परसने से लेकर बनाने तक की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं को मैनेजमेंट किस प्रकार से इस धाम पर किया जा रहा है? कम से कम 30-35 पंचायत की व्यवस्था है यहाँ पर। 30-35 पंचायतों की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जो सारी व्यवस्थाएं चौक चौबंद हैं। और व्यवस्थाओं के लिए जैसे कच्चा माल है, जैसे आलू है, आटे के कट्टे हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को कैसे लाया जाता है यहाँ पर, किस तरह से लोगों को? तो सब हनुमान जी की कृपा है, ट्रक के ट्रक। बागेश्वर धाम दंदरगुआ धाम डॉक्टर हनुमान जी महाराज की कृपा से हो रही है। बोला दंदरगुआ धाम की जय। आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से ये पुआ निकाल रहे हैं बाबा। देखिए दोस्तों बड़े पैमा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय दंदरगुआ धाम, दंदरगुआ धाम। कितने समय से आप लगे हुए हैं? हम लोग 9 दिन हो गए। और भाई साहब बढ़िया व्यवस्थाएं? हाँ बढ़िया व्यवस्था। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर व्यवस्थाएं, कोई किसी प्रकार की कमी यहाँ पर नहीं है। आटे से लेकर दोस्तों खीर तक की पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में गुड़ भी यहाँ पर रखा हुआ है, छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये पूरी प्रोसेस है।